जब तक हमारा पर्पस, हमारा एम, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य प्रिय देशवासियों और रोजमेरी परिवार के सदस्यगण, आइए तो आज हम बात करें कि जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए, सफल होने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए, मजे लेने के लिए जरूरी क्या है। तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो खुश रहना चाहता है उसे ख्याली पुलाव नहीं होना चाहिए। यदि व्यक्ति शांत रहना चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, प्रगति करना चाहता है, उसे दिमाग सोचना नहीं चाहिए। ये मनुष्य प्रवृत्ति है कि वो कल्पनाएं करता रहता है, वो स्वप्न देखता रहता है, उसका मन भटकता रहता है। इसके लिए मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्या है? जिसके विचार, जिसका दृष्टिकोण, जिसकी सोच, जिसकी समझ उन लोगों से प्रभावित होती है जो या तो कुछ नहीं कर रहे तो या फिर उससे बहुत आगे हैं, जो उस व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है जो जिसे आगे बढ़ता है, वो परेशानी तो रहेगा। अर्थात हम सरलता से ये कह सकते हैं कि हमें अपनी यात्रा स्वयं तय करनी है, हमें अपना दिन स्वयं बिताना होगा। और जो लोग मित्रों के सुझाव पर अपने पड़ोसियों को देखकर उनकी प्रगति के आधार पर अपना विकास और अपनी उन्नति करने के लिए सोचते हैं, उनके जीवन में स्थिरता नहीं आ पाती, उनके जीवन में गति नहीं हो पाती, क्योंकि दूसरों की हमेशा अच्छाइयां दिखने से हमें अच्छाई आ जाएगी, बल्कि परसिवरेंस, जिसका मतलब होता है निरंतर चलते रहना, जैसे समय चलता रहता है, जैसे घड़ी चलती रहती है, ऐसे जो लोग स्थायी रूप से बेशक धीरे धीरे ही सही एक अपनी गति से चलते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, उनका समय कब बीत जाता है, उन्हें सफलता कब मिल जाती है, वो कब परांगत हो जाते हैं, उन्हें नहीं पता। यदि हम रोज योजनाएं बनाते हैं, सप्ताह में योजना बनाते हैं, महीने में योजना बनाते हैं और अगली योजना बनाने पर बिजली को स्थगित कर देते हैं, इसलिए कि हमारे मस्तिष्क की, हमारे कर्म की सीमाएं जो है, तो उनकी स्थिति वैसी होती जैसे आधी को भावे आधी होने का पूरी का। तो जब तक हमारा पर्पस, हमारा एम, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य किसी भी क्षेत्र में हमारे एम तक हमें पहुंचा ना दे, उपलब्धि हो ना जाए, हमें दूसरा लक्ष्य नहीं पकड़ना चाहिए। अचीवमेंट, एकम्प्लिशमेंट, ग्रोथ, स्पीड, डायरेक्शन किसी को देखकर बदलने से, क्योंकि ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा है।
वो व्यक्ति भटकता ही रहता है जैसे बेगम चौराहे पे खड़े हो और किसी को देखे वो बड़ा स्मूथली दिल्ली जा रहा है, और जब वो आउटर से जाए या इनर से जाए और जब वो मेरठ क्रॉस करता है तो लगता है यहाँ बड़ा जा रहा है, इसलिए वो वापस आ जाता है और फिर बेगम से मुजफ्फरनगर के यार इस बार मसूरी और जाने के बाद उसकी अपनी व्हीकल में पंक्चर हो जाता है। चलो छोड़ो घर चलते हैं, तो घर आते आते यार एक काम पूरा कर लेते हैं तब वापस। तो ऐसे व्यक्ति का पूरा दिन लग जाता है, पूरा फिल्म लग जाता है, पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, लेकिन उसे कुछ मिलता है, अर्थात गुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, आई हैव प्रॉमिसेस माय स्कूल, लेकिन वो माइलेज डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सूरजमुखी की तरह से नहीं होनी चाहिए। ए पर्सन who is perpetually hesitating and which of the two things he will first do. Chal yaar abhi recording kare 6:30 se wali ya hum recording kare 3 minute wali ya kare ab baar baar yehi sochte hain aise ye kya hai ye to so, jo log nirantar rup se confused rehte hain upset rehte hain The person who resolves samkalpa but suffers his resolution to be changed by the first counter suggestion of a friend who fluctuates from opinion to opinion, from plan to plan, feels like a bitter cup. Every point of the compass, with every breath of compromise, that nose can never accomplish anything great or good. ये जो मैं रटे हुए सेंटेंस बोलता हूँ, क्योंकि मैं इन्हें जीवन में शुरू से इस्तेमाल करता रहा, प्रयोग करता रहा, इसीलिए मैंने 68 में जब ये निर्णय लिया कि पढ़ाने के माध्यम से सीखूंगा, आज तक मैंने उसे बदला नहीं है। यही मेरे संतोष का, यही मेरे आनंद का, यही मेरी उपलब्धि का, यही मेरे नाम और काम का पहचान बन गया। मेरे कई साथी हैं, कई बच्चे हैं कि पहले आर्मी ज्वाइन कर ली और समय से पहले छोड़ दी, पहले टीचिंग में आ गए समय से पहले छोड़ के टीचर बनकर स्कूल चलाने लगे, पहले बैंकिंग ज्वाइन कर ली फिर दुकान खोल ली। तो आप अपने जीवन में अपने आप से मजाक क्यों कर रहे हो? अगर हम और आप प्रोग्रेसिव हैं तो हम को स्टेशनरी होना होगा, जैसे अपिन आ डे बिकम से ग्रॉटर की है और धूल को भी ले लीजिए। अगर वो आज धूल का कण है तो कण कण मिलकर भी वो एक पत्थर, एक ढेला, एक घूंघट ऐसी चीज बन जाता है कि जिसका हम तो नेगेटिव में भी पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन कब? जब हम क्या काम के प्रति निश्चित रूप से प्रोग्रेसिव हों और हम आशावादी हों,
हम कर्मठ हों और कर्मण्यवादी का रास्ते मां फलेषु कदाचना के सिद्धांत पर भाई कुछ मिलेगा या नहीं, लेकिन एक बात तो मिलेगी कि हम शांति से जी पाएंगे। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ही हम पहले विचार करेंगे अच्छी तरह से, फिर लोगों से कंसल्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे एक्सपीरियंस लोगों से, और फिर दृढ़ संकल्प पर पहुंचेंगे कि यार ये हमने सोचा, लोगों ने भी ये बताया और अब हमें इसे करना है। तो हम उसे जब कार्यान्वित करते हैं तो जीवन में हम निश्चित रूप से ऐसी वाली सफलता प्राप्त करते हैं जिसकी कोई तोड़ नहीं। स्कूल खुल गए तो नहीं भेज रहे बच्चों को, नहीं खुले थे तो लोग तनख्वाह तो कैसे से ले लेते हैं, तनख्वाह तो ले लेते हैं, फीस तो ले लेते हैं, मीन्स कैसी है हमारी सोच। आज सरकार ने स्कूल खोल दिए तो हम नहीं भेजना चाहते, तो स्कूल बंद थे तो हम चिल्लाते थे घर में बच्चे तो पागल हो जाएंगे। तो छोटी छोटी मुसीबतों से, छोटी छोटी परेशानियों से जो लोग कमजोर दिल होते हैं, जो लोग दुर्दिल होते हैं, जो कायर होते हैं, वो जीवन में किसी भी क्षेत्र में किसी भी स्तर पर उतरित रहते हैं। इसलिए डियर रोज मैरियंस जो मुझे रोज सुनते हैं, उस सुनने का भी कोई फायदा नहीं है यदि वो अपने जीवन में स्थिरता नहीं ला पा रहे, मार्ग एक नहीं बना पा रहे हैं, लक्ष्य एक नहीं बना। क्या हुआ आज हमें नहीं मिला क्या जो वांछित यानी जो उचित था, लेकिन हमारा दिन तो अच्छा कटा। यदि ये धारणा सभी लोग बना करके खुशी से, प्रसन्नता से, इच्छा से अपने लक्ष्यों पर लग जाए तो संभवतः हर व्यक्ति दुनिया का बहुत विकास की ओर खुद भी जाएगा, परिवार को भी ले जाएगा और देश भी उन्नति करेगा। इसीलिए तो कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास वो तभी संभव है जब सबका प्रयास। That's all for today. Thank you.